you. सो एपिसोड के स्टार्टिंग में एसर गो सीरीज लैम में लीग के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त गो का पैर पत्थर से फिसल जाता है, फिर एस गो को हिट कर देता है जिससे कि गो को चोट लगती है। उसके बाद हमें फारफिश का सीन दिखाया जाता है जो कि चट्टान को तोड़ देता है। फिर एस कहता है जब से वह ग्लेड के साथ आ रहा है जब से ही फारफिश काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कर रहा है। एस तुम्हें फिर प्रोफेसर आकर कहते हैं एस और फारफिश तुम्हें ट्रेनिंग के लिए इस जगह पर जाना चाहिए। फिर प्रोफेसर का असिस्टेंट कहता है मैंने कैलोस रीजन में एक अच्छी जगह देखी है, यह है कैलोस रीजन के एलाइट 4 का कैसल जहाँ पे पोकेमोन और ट्रेनर के बीच के बॉन्ड को बढ़ाया जाता है। फारफिश से पूछता है क्या तुम तैयार हो, फिर फारफिश भी तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर गो का साइथर आता है, फिर गो कहता है क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे, फिर साइथर भी तैयार हो जाता है और फिर ये इस जगह पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं ये गेट कैसे खुलेगा, फिर अचानक से ये गेट खुलता है और उसके सामने ये बंदा आता है। फिर ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैं हूँ कैलोस रीजन का एलाइट 4 का एक मेंबर। फिर ये बंदा कहता है ओ लगता है दो चैलेंजर आए हैं। फिर ये इनका नाम पूछता है जहाँ पे एस अपना नाम बताता है और वो अपना नाम। फिर ये बंदा कहता है तो क्या तुम तैयार हो, फिर एस कहता है हाँ बिल्कुल और वो भी कहता है कम ऑन। फिर वो इस पोकेमोन को पोकेडेक्स में देखता है। फिर ये बंदा कहता है चलो तैयार हो जाओ। फिर अगले सीन में ये वॉरियर के ड्रेस में दिखाए जाते हैं हमें। फिर ये बंदा कहता है तुम्हें ये 3 राउंड पार करने होंगे, उसके बाद तुम्हें ये मेडल दिया जाएगा जिससे कि तुम पोकेमोन और ट्रेनर के बीच का बॉन्ड समझ पाओगे। फिर ये पहले राउंड के बारे में बताता है जहाँ इन्हें 10 राउंड मारने होते हैं इस जगह के, जहाँ सर गो को ये काफ़ी ईजी लगता है। फिर ये तैयार हो जाते हैं और फिर ये यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये पिकाचू यहाँ इनको बाय बाय करता है। फिर ये दोनों चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। फिर इनके सामने ये पोकेमोन आता है, फिर ये कहता है लगता है ये भी ट्रेनिंग के लिए आया है। फिर एसर को इन्हें देखते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। फिर ये पोकेमोन मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है जिससे कि एसर को काफ़ी तकलीफ होती है आगे जाने में, लेकिन ये जैसे तैसे इस राउंड को पार कर लेते हैं, मतलब कि आगे चले जाते हैं एंड उसके बाद ये 10 राउंड मार लेते हैं। फिर उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। फिर ये बंदा कहता है बहुत खूब। फिर ये बंदा कहता है तुम्हारा सेकंड टास्क इधर है। फिर उसके बाद ये इस कमरे में आते हैं जहाँ पे हमें ये पोकेमोन दिखाया जाता है। फिर एसर को सेकंड राउंड को पार करने के लिए आगे चलने लगते हैं और फिर ये आगे जाते हैं। फिर इन्हें 2 रास्ते दिखते हैं जहाँ पर ये दोनों अलग अलग जाते हैं। फिर वो इस जगह पर आता है जहाँ पर ये पोकेमोन इन पर हमला करता है, लेकिन साइथर गो को बचा लेता है और फिर ये पोकेमोन यहाँ से चला जाता है जहाँ पे ये बंदा इन्हें देख रहा होता है। फिर यहाँ पे एस को यहाँ पे 2 रास्ते दिखते हैं जहाँ पे ये कहता है चलो इस रास्ते पे चलते हैं। फिर फारफिश दूसरे रास्ते पे चलने लगता है और फिर उसके पीछे एस भी जाता है। फिर बीच में से ही एक मतलब ये पोकेमोन आता है जहाँ एस इसके साथ खेलने लगता है और फिर ये पोकेमोन इसको झटका दे देता है। फिर अचानक से ये पोकेमोन फारफिश पे हमला करता है, लेकिन पीछे से एस इसे बचा लेता है और फिर ये पोकेमोन यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में ये यहाँ पे सामने आ जाते हैं जहाँ पे ये दीवार बंद होती है। फिर एस फारफिश से कहता है चलो चलते हैं यहाँ पे आगे रास्ता बंद है, लेकिन फारफिश इस दीवार को तोड़ देता है और आगे चलने लगता है जहाँ पे गलती से फारफिश इस गड्ढे में गिर जाता है और फिर एस इसे बचाने के लिए ऊपर खींचता है। फिर फारफिश की स्टिक जो है वो नीचे गिर जाती है जिसे एस बचाने के लिए नीचे चला जाता है और फिर एस इस फारफिश की स्टिक को वापस दे देता है। फिर ये दोनों इस राउंड को पार कर लेते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते। फिर ये बंदा कहता है तुमने सेकंड राउंड भी पार कर लिया। फिर ये कहता है लेकिन अगला राउंड इतना आसानी से नहीं होगा। फिर ये कहता है तुम्हें इस राउंड को जीतने के लिए ये चाबी चाहिए होगी। फिर ये पोकेमोन आता है जो कि जिसके पास चाबी होती है, तो वैसे ये चाबी का बना होता है। फिर साइथर और फारफिश इस पोकेमोन से लड़ते हैं दोनों। फिर फारफिश और साइथर इस पोकेमोन से लड़ते हैं दोनों एक साथ। फिर फारफिश स्लैश का यूज करता है, फिर फारफिश नाइट स्लैड का यूज करता है और साइथर स्लैश का यूज करता है, लेकिन ये पोकेमोन डिफेंस करता रहता है। फिर एस और गो को ये पोकेमोन दिखा देता है, फिर कहता है यही हमारे पास एक चांस और फिर ये इसके ऊपर कूदते हैं, लेकिन ये बंदा आ जाता है और इनको रोकता है और ये इनसे फाइट करने लगता है। जहाँ पे एस और गो कहते हैं हम अलग अलग करके इनको लड़ते हैं, मतलब कि मैं इनसे लड़ता हूँ और गो तुम चाबी पे लाओ, मतलब तुम गो, और फिर एस इनसे लड़ने लगता है और गो चाबी के लिए चले जाता है। जहाँ फारफिश इस पोकेमोन से लड़ता है और एस इस बंदे से, और गो और साइथर इस पोकेमोन के पीछे चले जाते हैं चाबी लेने के लिए। फिर ये पोकेमोन साइथर पे हमला करता है, लेकिन गो इसे बचा लेता है और फिर ये पोकेमोन यहाँ से भाग जाता है। एंड उसके बाद ये बंदा एस पर हमला करता है। फिर बीच में फारफिश इसे बचा लेता है। फिर ये पोकेमोन फारफिश में हमला करता है और फारफिश एकदम से साइड हटके इस पोकेमोन पे एकदम से हमला करता है जो कि इस पोकेमोन को अटैक लग जाता है। फिर फारफिश दूसरा हमला करता है, लेकिन एस कहता है रुको फारफिश, और फिर फारफिश रुक जाता है। फिर गो ने इतने में ही चाबी ले ली होती है और फिर ये इस राउंड को भी जीत जाते हैं। फिर ये बंदा कहता है तुमने 3 चैलेंज पार कर लिए हैं और तुम्हें ये मेडल मिलते हैं। फिर ये कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम पोकेमोन और ट्रेनर के बीच के मैथ को समझ पाए होगे। फिर ये बंदा कहता है क्या तुम अपने साइथर को इवॉल्व करना चाहोगे। फिर गो साइथर को ट्रेड करके इवॉल्व कर लेता है। फिर साइथर इवॉल्व होकर सीजोर में बदल जाता है। फिर एस कहता है मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने हमारी ट्रेनिंग में मदद करी। फिर एस कहता है हम अगली बार ग्लेड को हरा देंगे। एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के हाथ से थप्पी मारते हैं और उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड देन मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
you. On the cover on the beat, so twerk it, bitch.